प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी हिप बोन की और उसके लैंडमार्क्स के बारे में आज हम इसके अटैचमेंट्स के बारे में जानेंगे और जो जो पट बहुत इंपॉर्टेंट अटैचमेंट्स हैं उन्हीं के बारे में बात करेंगे स्पेशली मसल्स के बारे में बात करेंगे तो इसमें सबसे पहले हम तीन पार्ट्स में अटैचमेंट्स को पढ़ेंगे इलियम को पढ़ेंगे ईशियम को पढ़ेंगे और फिर प्यूबिस को पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम ईशियम के लैंडमार्क्स के बारे में बात करते हैं तो एंटीरियर सुपीरियर लिलिक स्पाइन यहाँ पर अटैचमेंट होता है इंग्वाइनल लिगामेंट का इंगवाइना लिगामेंट का जो लेटरल पार्ट होता है वो यहीं पे अटैच रहता है तो इंग्वाइनल लिगामेंट और सार्टोरियस मसल सार्टोरियस मसल ये जो है यहीं से ओरिजिनेट करती है तो एंटीरियर सुपिलेग स्पाइन से दो स्ट्रक्चर्स हो गए लेटरल पार्ट ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट एंड सार्टोरियस अब हम उसके बाद आते हैं क्रेस्ट पे क्रेस्ट में मैंने बताया था ये आउटर लिप हो गया और ये अंदर वाला इनर लिप हो गया तो पहले आउटर लिप की बात करते हैं आउटर लिप पे जो है ऑल ओवर अगर हम बात करें तो यहाँ फेशियल लाटा प्रेजेंट रहती है फेशियल लाटा फेशियल जो, जो फेशिया है थाई का उसी को फेशियल लाटा बोलते हैं और ये ऑल ओवर एंटीरियर सुपीरियर स्पाइन से लेके पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन तक ऑलमोस्ट पूरे में क्रस्ट में प्रेजेंट रहती है उसके साथ ही अगर ट्यूबरकल पे ये ट्यूबरकल है तो ट्यूबरकल पे प्रेजेंट रहता है एलियोटिबियल ट्रैक्ट यहाँ पे इसकी पोजिशन होती है अटैचमेंट होता है उसके बाद ये जो ट्यूबरकल के एंटीरियर में प्रेजेंट है यहाँ पर ये वाला पार्ट ये एंटीरियर है ये पोस्टीरियर है तो एंटीरियर में प्रेजेंट रहता है टेंसर फेशिया लाटा ये टेंसर फेशिया लाटा मसल यहाँ पे प्रेजेंट रहती है उसके बाद एंटीरियर टू थर्ड अगर इस पूरे क्रेस्ट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें एंटीरियर टू थर्ड एंड पोस्टीरियर वन थर्ड तो एंटीरियर टू थर्ड इस वाले पोर्शन में एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल इंसर्शन होता है इसका और ये जो मैंने बताया था हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इलिया क्रेस्ट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इलिया क्रेस्ट अप्रॉक्सीमेटली ये है तो इसी के जस्ट पीछे यहीं पर थोड़ा सा लैटिस मजसडारसाई का ओरिजिन होता है तो इस टाइप से यहाँ पर आउटर लिप में इतनी सारी चीज़ें होती हैं आउटर लिप में एक बार रिवाइज कर लेते हैं आउटर लिप में फेशिया लाटा ट्यूबरकल पे इल्यूटिबियल ट्रैक्ट एंटीरियर टू थर्ड पे एंड एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल का इंसर्शन और क्रस्ट से थोड़ा सा बिहाइंड पीछे की तरफ लेटिसमस डॉर्साई का ओरिजिन होता है यहाँ पे ज्यादातर सारे ओरिजिन होते हैं एक्सेप्ट एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल जो इंसर्ट करती है उसके बाद इनर लिप ऑफ क्रस्ट की बात कर लेते हैं ये इनर लिप ऑफ इलिया क्रेस्ट है दिस वन इनर लिप ऑफ इलिया क्रेस्ट पे एक तो ट्रांसफर्स एब्डोमिनिस जो एंटीरियर टू थर्ड पोर्शन है ठीक है यहाँ से लेकर यहाँ तक अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे प्रेजेंट रहता है ट्रांसफर्स एब्डोमिनिस। ये ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस और एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल दोनों ही मसल एबडामिन की मसल्स हैं तो ट्रांसवर्सस एबडामिनस एंटीरियर टू थर्ड से ओरिजिन लेती है बाकी यहाँ पे अटैचमेंट रहता है फेशिया ट्रांसफर सैलिस का और फेशिया इलियाका का भी रहता है एंटीरियर टू थर्ड पे उसके बाद क्वाड्रेटस लम्बोरम मसल एंटीरियर टू थर्ड पे हमारी थी ट्रांसफर सेपडोमिनस और पोस्टीरियर वन थर्ड जो बच जाता है इस पर रहता है क्वाड्रेटस लंबोरम मसल क्वाड्रेटस लम्बोरम मसल लंबर साइड की मसल है और काफ़ी ब्रॉड होती है मसल उसके बाद बीच का एरिया आता है इंटरमीडिएट एरिया इंटरमीडिएट एरिया में मेनली जो है यहाँ पे ओरिजिन होता है इंटरनल ऑब्लिक मसल का और इंटरनल ऑब्लिक मसल ये जो एंटीरियर टू थर्ड पोर्शन है एंटीरियर टू थर्ड पोर्शन पे ही ओरिजिन होता है इंटरनल ऑब्लिक मसल एक्सटर्नल ऑब्लिक इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांसवर्सस एबडामिन दीज ऑल आर द मसल्स ऑफ द एबडामिन नाउ नेक्स्ट वन ये तो हो गया पूरा इलियक के बारे में अब अब हमने इलियक क्रेस्ट का जाना था डॉर्सल सेगमेंट और वेंट्रल सेगमेंट यहाँ पर बता देते हैं वेंट्रल सेगमेंट जो वेंट्रल हमारा पार्ट होता है बॉडी का एंटीरियर पार्ट और डॉर्सल सेगमेंट होता है हमारी बॉडी का पोस्टीरियर पार्ट तो अगर हम हिप बोन को इस तरीके से पकड़े हैं ठीक है तो ये पेल्विस वाला पार्ट आगे एंटीरियर की तरफ हो गया और इलियम वाला ऊपर हो गया तो यानी कि जो आगे का पार्ट होगा वो वेंट्रल सेगमेंट और पीछे वाला जो है वो डॉर्सल सेगमेंट तो वेंट्रल सेगमेंट में हम देख लेते हैं वेंट्रल सेगमेंट में लेटरल स्लोप और डॉर्सल स्लोप मतलब ये जो स्लोप है इधर साइड दिस वन इज लेटरल स्लोप और ये जो इधर स्लोप है ये डॉर्सल स्लोप तो डोरसा सेगमेंट में लेटरल स्लोप पे जो है वो ग्लूटियस मैक्सिमस मसल इसका ओरिजिन होता है और मीडियल स्लोप पे इरेक्टर स्पाइनी ये पीछे वर्टिब्रा के साइड की मसल होती है और बिल्कुल सीधी सीधी इरेक्ट होती है वर्टिब्रा में के, के दोनों तरफ ये मीडियल स्लोप से ओरिजिनेट करती है तो लेटरल पे ग्लूटियस मैक्सिमस और मीडियल पे इरेक्टर स्पाइनी उसके बाद अब हम सीधे आते हैं यहाँ पे ये हो गया एंटीरियर बॉर्डर में एंटीरियर सुपीरियर के स्पाइन पे बता दिया है एंटीरियर इन्फीरियर इलिया के स्पाइन पे आते हैं तो एंटीरियर इन्फीरियर इलिया के स्पाइन पे रट्टस फिमोरिस मसल यहाँ पर रेक्टस फिमोरिस मसल लगी रहती है ये इथाई की मेन मसल होती है आगे के एंटीरियर कंपार्टमेंट अब उसके बाद हम आते हैं टोटली totally ये ग्लूटियल सरफेस की हम बात कर लेते हैं तो ग्लूटियल सरफेस मैंने बताया था इसको ग्लूटियल सरफेस इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है वो ग्लूटियल मसल्स प्रेजेंट रहती हैं ग्लूटियल रीजन पूरा प्रेजेंट रहता है तो इसमें तीन लाइंस बताई थी पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन एंटीरियर ग्लूटियल लाइन और इन्फीरियर ग्लूटियल लाइन तो पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन के पीछे की तरफ ये जो पूरा एरिया है यहाँ पे ग्लूटियस मैक्सिमस मसल का ओरिजिन होता है ग्लूटियस मैक्सिमस मसल उसके बाद एंटीरियर ग्लूटियल लाइन और पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन इन दोनों के बीच में मसल होती है ग्लूटियस मीडियस इसका भी यहाँ पे ओरिजिन होता है उसके बाद आता है ग्लूटियस मिनिमस जो एंटीरियर और इन्फीरियर ग्लूटियल लाइन के बीच में प्रेजेंट रहता है तो मैक्सिमस मीडियस मिनिमस और यहाँ पे जो ये छोटा सा जो सरफेस रह जाता है ग्लूटियस सरफेस यहाँ पे प्रेजेंट रहती है रेक्टस फिमोरिस रेक्टस फीमोरिस फेमोरिस हम कई इसमें पढ़ेंगे इसमें एक ओरिजिन होता है रिफ्लेक्टेड हेड तो वो यहीं से ओरिजिनेट करता है तो इस टाइप से ये चारों मसल्स इनके बीच में प्रेजेंट रहती हैं अब हम उसके बाद आते हैं इलियक टिब्रोसिटी इलियक टिब्रोसिटी मैंने कहां पे बताया था ये वाला तो इलियक टिब्रोसिटी पे तो यहां पे लिगामेंट्स वगैरह लगे रहते हैं यहां पे लगा रहता है सैक्रो इलियक लिगामेंट जो सैक्रम को इलियम से जोड़ेगा तो सैक्रो इलियक लिगामेंट यहाँ पर प्रेजेंट रहता है ठीक है और दूसरा रहता है इलियो लंबर लिगामेंट इलियो लंबर लिगामेंट मतलब कि इलियम ये हो गया और इधर की तरफ ये पूरा लंबर रीजन होता है इन दोनों के बीच में जो कॉम्बिनेशन यहाँ पे जो लिगामेंट प्रेजेंट रहता है इलियो लंबर लिगामेंट रहता है बाकी इसके मसल्स ऑरिकुलर इसमें सब लिगामेंट्स वगैरह अटैच रहते हैं इलेक्टिब्रोसिटी पे ओरिकुलर सरफेस पे और प्री ऑरिकुलर सल्कस पे अब हम इसके बाद आते हैं इलियक के बाद हम आते हैं प्यूबिस पे तो प्यूबिस के अटैचमेंट्स में क्या क्या हो जाएगा सबसे पहले हम बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है प्यूबिक ट्यूबरकल ये प्यूबिक क्रस्ट के लेटरल साइड में प्यूबिक ट्यूबरकल प्रेजेंट रहता है तो प्यूबिक ट्यूबरकल पे पर्टिकुलरली यहाँ पे लिगामेंट प्रेजेंट रहता है इंग्वाइनल लिगामेंट उसका मीडियल एंड यहाँ पे मीडियल एंड ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट और ये लेटरल एंड ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट ये इस तरीके से प्रेजेंट रहता है तो मीडियल एंड ये हो जाएगा लेटरल एंड ये हो जाएगा उसके बाद प्यूबिक क्रस्ट ये आते हम आते बात करते हैं यहाँ पे ये प्यूबिक क्रस्ट पे अटैचमेंट रहता है मसल होती है अब हम आते हैं प्यूबिक क्रस्ट पे। प्यूबिक क्रेस्ट यहाँ पे प्यूबिक क्रेस्ट के पर्टिकुलरली हम बात करें जो लेटरल साइड है यहीं पे रेक्टस सेबडामिनिस मसल और पिरामिडस पिरामिडालिस मसल ये दोनों यहाँ पे ओरिजिन होता है रेक्टस सेबडामिनस एबडामिन की इरेक्ट मसल है और पिरामिडालिस भी वहीं नीचे पाई जाती है उसके बाद हम सीधे सीधे बात करते हैं एंटीरियर बॉडी ऑफ प्यूबिस की तो एंटीरियर बॉडी एंटीरियर जो सरफेस है बॉडी के एंटीरियर सरफेस पे यहाँ पे ओरिजिन होता है एडक्टर की जो मसल्स होती हैं उनका एडक्टर लॉन्गस ग्रेसिलिस और एडक्टर ब्रेवेस तो एडक्टर लॉन्गस सीधे सीधे यहाँ इसमें बुक में दिया हुआ गया है कि एंगल्स वगैरह के बीच में प्रेजेंट रहता है हम सीधे सीधे इसको शॉर्टकट में समझते हैं कि जो इंटीरियर सरफेस है उस पर सीधे सीधे एडक्टर लॉन्गस ग्रेसिलिस और एडक्टर ब्रेवेस तीनों का ही ओरिजिन यहाँ से होता है और साथ में यहाँ पर जो ये ऑप्टूरेटर फुरामैन है इसी के मार्जिन के पास यहाँ से ऑप्टूरेटर एक्सटर्नस मसल सबका ही ओरिजिन होता है यहाँ से ठीक है तो चार मसल्स हो गए डक्टर लॉन्गस ब्रेविस ग्रेसिलिस एंड ऑप्टोरेटर एक्सटर्नस उसके बाद उसके बाद हम आते हैं पोस्टीरियर सरफेस ये पीछे की तरफ इसको पेल्विक सरफेस भी बोलते हैं और यहाँ पे दो मसल्स का ओरिजिन होता है लिवेटर एन आई जो हमारा पेल्विक फ्लोर फॉर्म करती है ठीक है लिवेटर एन आई और ऑप्टोरेटर इंटरनस एक्सटर्नस एक्सटर्नस यहाँ हो जाएगी और लिवेटर एन आई एक्सटर्नस यहाँ है और इंटरनस यहाँ पे है और लिवेटर एन आई ये दोनों मसल्स यहाँ पे पेल्विक सरफेस पे प्रेजेंट रहती हैं और यहाँ पे भी दोनों का ओरिजिन ही, ही होता है साथ में अगर हम बात करें यहाँ पे लिगामेंट तो एक लिगामेंट होता है प्यूबो प्रोस्टेटिक लिगामेंट प्यूबो प्रोस्टेटिक लिगामेंट होता है ये हम इस तरीके से रख लेते हैं और यहाँ पे इंटरनल ऑर्गन के फॉर्म में प्रोस्टेट प्रेजेंट है तो प्यूबो प्रोस्टेटिक लिगामेंट ये लिगामेंट ये यहाँ पे पेल्विस के प्यूबिस वाले पार्ट से स्टार्ट होता है और प्यूबोप्रोस्टेटिक प्रोस्टेट को कवर करता है तो प्रोस्टेट और प्यूबिस के बीच में प्रेजेंट रहने की वजह से इसको प्यूबोप्रोस्टेटिक लिगामेंट बोला जाता है अब हम इसके बाद आते हैं पेक्टिनियल लाइन या पेक्टन प्यूबिस <coughs> इसके बारे में हमने बात की थी पैक्टन प्यूबिस या पैक्टीनियल लाइन यहाँ पे पैक्टीनियस मसल इसका ओरिजिन होता है पैक्टीनियस मसल का और साथ में स्वास माइनर स्वास माइनर और मेजर दो मसल्स होती हैं जिसमें से सोना स्वास माइनर जो होती है वो यहाँ पे इंसर्ट करती है तो पैक्टीनियस और स्वास माइनर हम ये दो मसल्स यहाँ पे याद रखते हैं पैक्टीनियस के साथ साथ पैक्टीनिया का अपना फेशिया होता है वो भी यहाँ पे प्रेजेंट रहता है पैक्टीनेट लिगामेंट वो भी छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसके बाद आते हैं ये ऑप्ट्यूरेटर ग्रूव दिस वन इज ऑप्ट्यूरेटर ग्रूव और इस ऑप्ट्यूरेटर ग्रूव में यहीं से ऑप्ट्यूरेटर फोरामैन से रिलेटेड ऑप्टूरेटर वेसल्स और नर्व ये एंट्री या एग्जिट होती हैं ऑप्टूरेटर ग्रूव अब हम आते हैं ईश्चियल बोन पे तो ये इस्चियल में इसके अटैचमेंट्स के बारे में हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस्चियल स्पाइन ये ग्रेटर शियाटिक नॉच है ये लेसर शियाटिक नॉच है और ये इस्चियल स्पाइन है इस्चियल स्पाइन यहाँ पे जो अटैचमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट देखिए यहाँ पे जो है वो सैक्रम लगा हुआ है ठीक है ये सैक्रम लगा है तो सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट यानी कि स्पाइन से लेकर सैक्रम तक जो लिगामेंट प्रेजेंट रहता है सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट रहता है स्पाइन के नीचे ये लेसर शियाटिक नॉच है उसके ऊपर ग्रेटर शियाटिक नॉच है तो लेसर श्याटिक नॉच में क्या क्या अटैचमेंट रहता है सबसे पहली बात लेसर शियाटिक नॉच पे यहाँ पे ऑप्टूरेटर इंटरनस जो मसल यहाँ पे जो ऑप्टूरेटर इंटरनस मसल थी उसका टेंडन यहाँ पे प्रेजेंट रहता है और इस टेंडन के दोनों ओर यहाँ पे टेंडन प्रेजेंट है उस टेंडन के ऊपर दोनों ओर दो जेमिलाई मसल्स होती हैं दे आर कॉल्ड एज सुपीरियर जेमिलाई और इन्फीरियर जेमिलाई तो एक तरीके से यहाँ पे लेसिक नॉच पे तीन चीज़ें होती हैं टेंडन ऑफ ऑप्ट्यूरेटर इंटरनस एंड सुपीरियर एंड इन्फीरियर जेमिलाई मसल्स इनका यहाँ पे ओरिजिन होता है जेमिनाई ये जो जैमिली वर्ड यूज किया गया है इसका मतलब होता है ट्विन तो ट्विन यहाँ पे दो सुपीरियर और इन्फीरियर जैमिलस होती हैं उसके बाद हम आते हैं फीमोरल सरफेस फीमोरल सरफेस हमने बात की थी ये वाला फीमोरल सरफेस होता है और फीमोरल सरफेस पे ऑप्ट्यूरेटर एक्सटर्नस ऑप्ट्यूरेट ये फीमोरल मार्जिन है यहीं पर ऑप्ट्यूरेटर एक्सटर्नस मसल प्रेजेंट रहती है उसके बाद क्वाड्रेटस फीमोरिस क्वाड्रेटस फीमोरिस ऑलमोस्ट यहाँ इतने वाले रीजन में क्वाड्रेटस फीमोरिस रहती है तो ऑप्टोरेटर एक्सटर्नस क्वाड्रेटस फीमोरिस दो मेन मसल्स यहाँ पे प्रेजेंट रहती हैं डॉर्सल सरफेस पे हम आते हैं डॉर्सल सरफेस हमारा कौन सा हो जाएगा ये वाला ये डॉर्सल सरफेस है हमारा तो डॉर्सल सरफेस पे अगर हम देखें तो इसका जो ये अपर कॉन्वेक्स एरिया है यहाँ पर पेरीफॉर्मिस प्रेजेंट रहती है यहाँ से शियाटिक नर्व भी रन करती है और क्वाड्रेटस फ्यूमोरिस के लिए भी नर्व रन करती है तो मेन जो मसल है वो पेरीफॉर्मिस यहाँ पर प्रेजेंट रहती है ये जो ग्रूव बना हुआ है यहाँ ग्रूव से ऑप्ट्यूरेटर इंटरनस के टेंडन जो है वो यहाँ से ट्रांसमिट होता है ऑप्ट्यूरेटर इंटरनस ठीक है उसके बाद हम आते हैं इस्चियल टिप्रोसटी ईश्चियल टिप्रोसटी में मैंने कल बताया था सुपीरो लेटरल एरिया मीडियल एरिया तो सुपीरो लेटरल पे सेमी मेम्ब्रेनस मसल प्रेजेंट रहती है ये हो गया सुपीरो लेटरल दिस वन इज सेमी मेम्ब्रेनोसस और मीडियल पे आएंगे तो सेमी टेंडिनोसस और लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स फीमोरिस दो मसल्स यहाँ प्रेजेंट रहती हैं उसके बाद हम आते हैं लोअर एरिया में हमने बात की थी ये आउटर लोअर एरिया था और ये इनर एरिया था तो आउटर वाला जो लोअर एरिया है इस पर एडक्टर मैगनस प्रेजेंट रहती है मसल और लोअर एरिया पे ज़्यादातर ये जब हम बैठते हैं तो ये सिटिंग पोजिशन में जाता है तो ये जो पार्ट है ये क्यूटेनियस भी रहता है और यहाँ पर फैटी टिश्यू जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट रहता है उसके बाद हम आते हैं पेल्विक सरफेस तो पेल्विक सरफेस ईशियम का बहुत बड़ा पेल्विक सरफेस होता है इट इज द ग्रेटर पार्ट एंड इट कॉन्ट्रीब्यूट गिविंग ओरिजिन टू द ऑप्टूरेटर इंटरनस मसल तो ऑप्ट्यूरेटर इंटरनस मसल यहीं से ओरिजिनेट करती है उसके बाद कंजॉइंट इस्टोप्यूबिक रेमाई मैंने बताया था इसका इन्फीयर रेमस इसका इन्फीरियर रेमस दोनों मिलके बनाते हैं तो अपर बॉर्डर जो है वो यहाँ पे ऑप्टिरेटर मैमब्रेन होती है तो अपर बॉर्डर जो कंजॉइंट इस्टोप्यूबिक रेमाई है इसका अपर बॉर्डर यहाँ पे ऑप्टिरेटर मैमब्रेन को अटैचमेंट देता है और नीचे की तरफ जो लोअर बॉर्डर है यह अटैचमेंट देता है फेशिया लाटा को ठीक है फेशिया लाटा को और सुपरफिशियल फेशिया की मेम्ब्रेनस लेयर होती है उसको तो हम पर्टिकुलरली याद रखते हैं फेशियल आटा को यह अटैचमेंट देता है क्योंकि यहाँ पे ये थाई वाला पोर्शन शुरू हो जाता है और थाई वाले पोर्शन में फेशियल आटा प्रेजेंट रहती है उसी को ये अटैचमेंट देता है तो अपर वाला ऑप्टूरेटर मेम्ब्रेन नीचे वाला फेशियल आटा नाउ आउटर सरफेस एंड इनर सरफेस तो आउटर सरफेस पर मसल्स हमारी होती हैं पर्टिकुलरली इसमें तीन चार मसल्स होती हैं इसमें से ऑप्ट्यूरेटर एक्सटर्नस ऑप्ट्यूरेटर एक्सटर्नस एडक्टर ब्रेविस ग्रैसेलिस और एडक्टर मैग्नस ये सारी होती हैं इसमें ऑप्ट्यूरेटर एक्सटर्नस ये जहाँ तक है दोनों जो रेमाई हैं ये जो ऑप्टूरेटर मार्जिन है इसी के पास यहाँ पे ऑप्ट्यूरेटर एक्सटर्नस प्रेजेंट रहती है एडक्टर ब्रेविस ये प्यूबिक रैमस के पास ज़्यादा होती है और एडक्टर मैगनस ये इश्चियल रैमस के पास ज़्यादा होती है ग्रेसिलिस ग्रेसिलिस भी प्यूबिक रैमस के पास होती है तो यानी कि जो एडक्टर ब्रेविस और ग्रेसिलिस हैं ये प्यूबिक के पास हैं एडक्टर मैगनस ये इश्चियल के पास है और ऊपर की तरफ ऑप्टोरेटर के पास ऑप्टूरेटर एक्सटर्नस लगी रहती है एसिटाबुलम और ऑप्टोरेटर फोरामेन की हम बात कर लेते हैं तो एसिटाबुलम एक कप शेप्ड हेमीस्फेरिकल कैविटी होती है और इसके अगर हम पोजीशन की बात करें तो ये लेटरल डाउनवर्ड्स और फॉरवर्ड्स रहती है मीन्स लेटरल बाहर निकली हुई है डाउनवर्ड्स नीचे होती है और फॉरवर्ड्स थोड़ी आगे होती है तो इस तरीके से पेल्विस की पोजीशन होती है लेटरल डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड्स एसिटाबुलम ये जो पूरा एसिटाबुलम है ये नीचे की तरफ डेफिशेंट रहता है इसको बोलते हैं एसिटाबुलर नोच एसिटाबुलर नॉच यहाँ पे ट्रांसफर्स लिगामेंट अगर प्रेजेंट हो जाता है तो ये लिगामेंट जो नॉच है वो एक फोरामैन में कन्वर्ट हो जाता है और ये एसिटाबुलर जो ट्रांसफर्स लिगामेंट है यहाँ एस्टाबुलर नॉच के मार्जिनस पे लगा रहता है बीच का जो एरिया है ये ऊपर वाला जो सरफेस है ये आर्टिकुलर कहलाता है अंदर वाला नॉन आर्टिकुलर कहलाता है तो नॉन आर्टिकुलर वाला इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एसिटाबुलर फोसा और ये जो आर्टिकुलर होता है यही फीमर के हेड के साथ आर्टिकुलेट करता है ल्यूनेट सरफेस होता है स्मूथ सरफेस होता है अंदर की तरफ जो है एसिटाबुलर फोसा में फैटी टिश्यू भी प्रेजेंट रहता है और ये जो है बीच में जो फोविया कैपिटिस है उसके साथ अटैचमेंट फॉर्म करता है अपटूरेटर फोरामेन की हम बात करें ऑप्टूरेटर फोरामेन लार्ज गैप है जो बोन में नीचे की तरफ प्रेजेंट रहता है और मेल और फीमेल में अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो मेल्स में ये ओवल होता है और फीमेल्स में ये ट्राइंगुलर होता है तो बहुत ज्यादा बोन्स जब हम इसको पढ़ेंगे तो डिफरेंशिएट करने में दो तीन बोन्स रहेंगी तो हम इसको आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं इफ इट इज ओवर देन इट इज मेल हिप बोन एंड इफ इट इज ट्रैंगुलर देन इट विल बी द फीमेल हिप बोन दिस इज ऑल अबाउट हिप बोन